हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है रिसेंटली उसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका डेट शुरू हो गया 30 अक्टूबर 2018 से और लास्ट डेट है इसका 20 नवंबर 2018। तो दोस्तों, इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँगा कि क्या क्या पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। फर्स्ट पोस्ट जो है एनालाइज्ड ट्रांसलेटर, जिसका वैकेंसी है 4। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 25 से 35 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट जो है सेक्टर क्लरिक स्पेशलाइज, जिसका वैकेंसी है 90, या एज लिमिट सेम रहेगा। उसके बाद जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलाइज, जिसका टोटल वैकेंसी है 4, एज लिमिट भी है इसका सेम ही रहेगा। उसके बाद लास्ट जो पोस्ट निकला हुआ है यहाँ पे सेक्टर रिस्क स्पेशलाइज, जिसका टोटल वैकेंसी है 20 एंड एज लिमिट इसका सेम ही रहेगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके बाद अगर इस पोस्ट में अप्लाई करेंगे तो इसके आपका जो एज रिलेक्शन रहेगा वो कितना रहेगा। तो फर्स्ट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स तक आप एज रिलेक्शन रहेगा। OBC के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स के, और PWD के लिए आपको SC ST PWD के 15 ईयर्स, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स, और PWD जनरल के 10 ईयर्स। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, फर्स्ट जो पोस्ट है एनालिस्टिक ट्रांसलेटर, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको BTEC BE कंप्यूटर साइंस MCA MBA बिजनेस एनालिस्ट MSTAT ISI कोलकाता। अदर क्वालिफिकेशन प्रेफर डाटा एनालिस्टिक क्वालिफिकेशन। पोस्ट क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए आपको 5 ईयर्स के, और जॉब लोकेशन रहेगा इसका मुंबई में। सेकेंड पोस्ट जो है सेक्टर क्रेडिट स्पेशलाइज, इसका आपको क्वालिफिकेशन चाहिए चार्टर्ड अकाउंट MBA फाइनेंस, मास्टर इन फिनेंस कंट्रोल, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज PGDM फिनेंस। इसका भी सेम आपको 5 ईयर्स के आपको यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब लोकेशन इसका सेम ही रहेगा मुंबई में। थर्ड जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलाइज, इसके लिए आपको चार्टर अकाउंट MBA फिनेंस के क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स के आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब लोकेशन इसका मुंबई में रहेगा। फोर्थ जो पोस्ट है यहाँ पे सेक्टर रिस्क स्पेशलाइज, जिसका क्वालिफिकेशन चाहिए चार्टर अकाउंट MBA फिनेंस ICWA FCFA अदर क्वालिफिकेशन प्रेफर्ड फिनेंशियल रिस्क मैनेजर FRM सर्टिफिकेशन बाई ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिक्स प्रोफेशनल GARP। इसका भी सेम आपको 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब लोकेशन इसका मुंबई रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ और क्या क्या यहाँ पे निकला लिखा हुआ है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे आपको ऑनलाइन में जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो ऑनलाइन के जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली उस पेज में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.sbi.co.in। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ देना पड़ेगा आपको 600 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC वालों OBC कैंडिडेट के लिए, और 100 रुपीज़ फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे आपको अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आपका जब अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे आपका रिज्यूम, ID प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड अदर जो कि जो लोग PWD सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जो कि अपलोड करना होगा। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते तो कॉल इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपका कॉल लेटर जो आएगा यहाँ पे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, और कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू विल बी सेंड बाय ईमेल और विल बी अपलोड बाय बैंक वेबसाइट, नो हार्ड कॉपी विल बी सेंड। तो यहाँ पे ध्यान रखें कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजा जाएगा, आपको ईमेल में आपको यहाँ पे दिया कॉल लेटर दे जाएंगे, उसके साथ साथ ईमेल और आपको बैंक के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको दे सकते। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बोल देता हूँ, यहाँ पर आपको इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट जो आएगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं SBI के जो रिसेंटली पोस्ट निकला हुआ है इसके लिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।